अक्षरा ने ठान लिया है कि वो खेसारी लाल यादव को बेवकूफ बनाती रहेंगी और खेसारी लाल यादव बेवकूफ बनते रहेंगे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। पहले पवन अक्षरा का झगड़ा हुआ और अक्षरा पहुंच गई खेसारी लाल यादव के पास। खेसारी ने भी उन्हें तहे दिल से अपना लिया। अब आपको यकीन नहीं होगा तो ये वीडियो देख लीजिए, जहां हाल ही में एक स्टेज शो हुआ जहां खेसारी और अक्षरा की बॉन्डिंग देखने लायक थी। एक और वीडियो देखिए, जिसे हमने आपको अपने पिछले ही वीडियो में दिखाया था कि पवन और अक्षरा की दोस्ती हो गई है। तेनू लखा तो छुपा के रखा खाती सजा के तू है मेरी वफा रखा पड़ा पड़ा के। और अब हम आपको एक खबर बताने वाले हैं कि पवन और अक्षरा की वजह से खेसारी का कितना बड़ा नुकसान हुआ। 27 अप्रैल को खेसारी और अक्षरा का पूर्वी चंपारण में एक स्टेज शो होने वाला था, लेकिन जैसे ही पवन और अक्षरा की दोस्ती हुई, पवन ने अक्षरा को खेसारी के साथ स्टेज शो करने से मना कर दिया। खेसारी अक्षरा के इस बात से बहुत आहत हुए। खेसारी ने अक्षरा को इस सिलसिले में बात करने के लिए फोन भी किया, लेकिन खेसारी का फोन तक नहीं उठाया अक्षरा ने। तब आनन फानन में खेसारी लाल यादव ने आम्रपाली दुबे को स्टेज शो के लिए मनाया और अक्षरा की जगह खेसारी लाल यादव के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आम्रपाली दुबे और मैं आ रही हूं परफॉर्म करने आप लोगों के बीच में 27 अप्रैल 2018 को समय शाम 7 बजे हुसैनीगढ़ के नजदीक पूर्वी चंपारण बिहार। इवेंट्स मैनेज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय केवीपी विकास सिंह वीरप्पन। सी यू गाइस देयर, बाय। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।